हेलो हेलो मैम, व्हाट्स गोइंग ऑन? आसिम अजहर का गाना सुन रही हूँ आजकल, मुझे इतना पसंद है। हबीबी डोंट यू मिस मी दिल लगता पता नहीं। नहीं, मुझसे अगर ये बातें करनी है तो गाने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी समझता हूँ, आप कह सकती हैं मुझे। पहला मुझे इतना है, मैं लग कैसी नहीं हूँ, दुपट्टे के साथ दिखाऊं फुल कंप्लीट लुक आएगी। इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। बहुत हसीन लग रही है, प्यारी लग रही है। जीना के शूज हैं, जीना के तो हमेशा जीना को अगर पता चल गया कि उनके शूज आपने पहने हुए हैं तो मेरी एक जीना आंटी भी है, वो गुस्से हो जाएंगी। ऐसे नहीं बोलते, थोड़ा नहीं, मतलब जीना इज अ ब्रांड जो कि बड़ा ब्लिंग ब्लिंग ब्रांड है, जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं ऐसे। ब्लिंग ब्लिंग। आई लव जीना शूज, इसके लिए अच्छे खासी सेविंग करनी पड़ती है जूतों के लिए। और एक जमाने में मुझे बहुत क्रेज था जूतों का, अब नहीं है। अब मैं ज्यादा कंफर्ट के लिए जाती हूँ, तो स्केचेस इज व्हाट आई लाइक टू वेयर नाउ। ऑल बर्ड्स कितना उसका मजे का हमने शो लिया था। नहीं तो वेलकम टू आउट स्टाइल, और आज की वीडियो में शादी टाइम। ये ऐसे जा रही हैं और मैं ऐसे, मुझे भी तैयार होना है। मैंने कहा पहले आप तैयार हो लें। आप ऐसे ना इस कमरे का हिस्सा लग रही हैं। वैसे आप जिस कलर है दीवारों का, ये आपके कपड़ों से मिलता जुलता लग रहा है। सारे जबरदस्त चीज है, मैंने लिया ही ये टीवी से था कि मैं इस पे वीडियोस जब बनाऊंगी ना पीछे, तो आपको मैं दिखाती हूँ इसमें जो इफेक्ट्स आते हैं, दे ब्यूटीफुल द इफेक्ट्स। ओके वाह, ये जो ग्रे है ना इसमें ब्लू नजर आ रहा है। अब सही लग रही है? ये टीवी के अंदर से निकले आप पहले। ये जो म्यूजिक है ना, घूमी होगी ना, मैं जंगल में गुम हो गई। तो वर्ल्ड फेमस हमारे हनीफ राजा, हनीफ भाई द फेमस कमेडियन, आपने इनको उस्तादों के उस्ताद में देखा होगा, उससे बड़े मशहूर हैं। और एक्टिंग चैलेंजेस इंडिया में भी जो कॉम्पिटिशन्स थे वहाँ भी जीते हैं, लाफ्टर चैलेंज आई थिंक, तो बड़े मशहूर हैं। तो हमारे इंडिया के जो व्यूअर्स हैं वो बड़े खुश होंगे कि हनीफ राजा भाई जो हैं आज की वीडियो के सुपरस्टार हैं। उनके बेटे की माशाल्लाह शादी हुई है और हम जा रहे हैं वलीमे पे, और बहुत इंडस्ट्री वहाँ आई होगी आई एम श्योर, क्योंकि हनीफ भाई इज़ वेरी पॉपुलर। और जितने प्यारे इंसान हैं, जितने टैलेंटेड वो हैं, हम सब जानते हैं। और ही सच अ फाइटर ऑनेस्टली, दो बच्चों को जिस तरह उन्होंने पाला है आफ्टर हिज वाइफ, 5 साल, 4.5 साल पहले इनकी वाइफ की डेथ होगी, भाभी के बाद हनीफ भाई ने शादी नहीं की। एक बेटी और एक बेटा अहमद, जो बेटा अहमद है उसके वली में हम आज जा रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे टाइम पे बड़ा फील होता है आपको, अपने ना पार्टनर बहुत याद आता है। बच्चों की माँ होती तो कितने सारे काम वो करती संभालती, हनीफ भाई के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेसफुल होगा इस वक्त, और बहुत मिस कर रहे होंगे वो अपने शरीके हयात को, भाभी को आई एम श्योर, और बच्चे कितना मिस कर रहे होंगे। तो दैट्स रियली सैड। तो अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए और विद ऑल आर रिस्पेक्ट फॉर हनीफ भाई एंड हिज फैमिली, आज हम जा रहे हैं। और बहुत सारे शोबिज पर्सनैलिटीज़ वहाँ होंगी, आपको उनसे मिलाएंगे भी। तो चलिए हमारे साथ हनीफ भाई के बेटे के वलीमे पे। मैं बड़ी अच्छी तैयार हुई हूँ, मुझे लग रहा है मेरा बड़ा फेवरेट कलर है, मेरे पे सूट करता है। और फैसल तो इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वलीमे के लिए। मतलब इतने प्यारे हस्बैंड, इतने माशाल्लाह हैंडसम लग रहे हैं। रिश्ते आएंगे मैं बता रही हूँ, वलीमे पे जाने वाले, और तबाही काम होने वाला है। मैं कैसे संभालूंगी, आज मुझे लग रहा है कि शायद ही मेरे हाथ से स्लिप हो जाए। दिल थाम के बैठो बहनों, दिखाने लगी हूँ मैं आपको अपना हस्बैंड द डैशिंग फैसल राव। खवातीन हज़रात, आपको मेरी इस हालत से ये लग रहा होगा कि शायद मुझे वलीमे पे ऐसे ही चले जाना चाहिए। जा तो मैं ऐसे सकता हूँ क्योंकि आई लुक परफेक्टली ओके। कहने का मकसद ये है कि मैं तैयार, ये मेरी तैयार हालत ही आप समझिए। जब तक नादिया कमरे से तैयार होकर बाहर तक निकलेगी, उस तक मैं कपड़े पहन के गाड़ी में बैठ चुका हूँ। जब आप इतना अच्छा तैयार होते हैं तो साथ में ये बैग देखिए, मेरा कितना प्यारा बैग है। बहादुर शाह जफर की जो 70वीं जो उनकी थी ना, जो जो उनके हरम की लौंडी थी,
वो जब भागते हुए अपना बैग छोड़ के गई थी ना, वो ये वो बैग था। इसे वाकई बहुत ही पुराना बैग है, लेकिन मेरा फेवरेट बैग है। जस्ट लुक एट दिस। ये कहाँ से पेरिस का? सूरत बैग है। I love this bag। पिछले दिनों मैंने ना इसको थोड़ा सा सर्फ पानी में डाल के ना, सीरियसली मैंने धोया है इसको। सीरियसली इतनी मिट्टी निकली, इतनी मिट्टी निकली लगे में। मुझे किन किन हालात का सामना करना पड़ता है इन दिनों में इनके साथ रहते हुए। आए नाज़रीन, आउटस्टाइल भी आपको दिखाते हैं एक घुमा हुआ बैग। ये बैग की हालत आप देखें, आप जितने मैं उसमें कीड़े निकालता हूँ कहती है ये इसकी ब्यूटी है। नहीं नहीं, बहुत प्यारा बैग है। आराम से उठा लिया, फिट हो गया, ड्रेस के साथ ये मर्ज हो जाता है, मजे का चलता है। और ये मेरा ज्वेलरी है मेरी। ये कहाँ पहनते हैं? अच्छा मुझे पता है क्या बात पसंद है कि आप, शुक्र है शादियों में लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको सोना पहन के आना है। आप डायमंड से लगते हो, यू डोंट हैव टू वेयर गुड ज्वेलरी, नोबडी केयर्स। आपके कपड़े अच्छे हो, बाल अच्छे बनाए हो, मेकअप अच्छा हो, आई थिंक लोगों की आप ज्वेलरी से ज्यादा फोकस आपके कपड़े बालों पे होता है। ज्वेलरी वाला शुक्र है जो प्रेशर था ना कि जब तक तो गोल्ड नहीं पहनेंगे, सेट नहीं निकालेंगे, अब किसी शादी में जाना, लॉकर जाना है मुझे, हेलो हस्बैंड मुझे लॉकर ले जाए, अभी भी लॉकर ले जाए, सेट निकालूंगी तो पहनूंगी तो फिर जाऊंगी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई परवाह नहीं करता। मैं खुद, मुझे याद नहीं लास्ट मैंने कब किसी का सेट को गौर से देखा और ज्वेलरी को नेवर। ये चीज जो है ना, ये जो चैलेंज है ना, ये हस्बैंड्स ने बड़े गौर से लिए है। आजकल जो ना कपल्स के जब जाते हैं ना शादियों में, लोग आपके कपड़े बाल नहीं देखते, आपके हस्बैंड को देखते हैं। हां जी, मेरा जेवर ये है। तो ये मेरी लुक है, दिस इज हाउ आई एम गोना गो टू द वेडिंग। ओह माय गॉड। तो हानी और अहमद की बड़ी प्यारी जोड़ी, गुड्डा गुड्डी क्यूट से। हानी जो है MBBS डॉक्टर बन रही है, आगे उसका प्लान है, उसने कुछ क्या करना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। और जो अहमद है हनीफ राजा के बेटे, इतने हैंडसम, लाइक फादर लाइक सन, इतना हैंडसम बच्चा आप देखेंगे आप खुश हो जाएंगे, दिल से दुआ निकलेगी। और दुआ करें कि अल्लाह ताला हनीफ भाई के बच्चों को खुश रखे और जिस बेटे की शादी हो रही है वो और उसकी बेगम हमेशा खुश रहे, आमीन। हम चल रहे हैं हनीफ राजा के बेटे के वलीमे पे, तो फॉलो मी। तो आप चलें और मैं आया, अपने गाना सुना ना, तू चल मैं आई, तो तू चल मैं आया, ज्यादा हैंडसम मत लगने। चलो बेटा गाड़ी में चलो मैं। आपकी तशीफ अफ्रीका और आपके हस्बैंड हैंडसम फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। और नादिया, आपका बहुत शुक्रिया। नादिया खान जितनी अच्छी दोस्त हैं, एक्ट्रेस हैं, उतनी ही अच्छी दोस्त हैं, उतनी ही अच्छी इंसान है, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसे लोग कभी नाकाम नहीं होते, ये पहले दिन से कामयाब है और आज तक कामयाब है और हमेशा रहेंगी कामयाब, ये मेरी दुआ है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा हमारा। सुकून हो जाता है ना थोड़ा सा, अभी लाइट हो के भी सिर्फ अच्छा सा तैयार होके बैठना है, पता होता है कि अब इवेंट्स खत्म। He is wishing the couple beautiful future. और ये हैं मम्मी इन लॉ, आपका नाम अतिया, अतिया हैं हानी की मदर, यानी कि अहमद की सास। एंड मैं आपकी फैमिली हूँ, आपके व्लॉग्स भी देखती हूँ बहुत शौक से। आज आप खुद व्लॉग में बच्ची की शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे इसके बदले में बेटा मिला है, बहुत अच्छा, बहुत ही लविंग और केयरिंग। अच्छा हनीफ भाई के बारे में क्या ख्याल है, यहाँ आते हैं आपको बहुत सक्षम होती है रौनक या सीरियस है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, हनीफ भाई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। सीरियस होते हैं या मजाक वगैरह करते हैं? दोनों 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 बिल्कुल। हमारे लेजेंड हनीफ भाई, उन्होंने बताया मुझे अबाउट द वेडिंग ऑफ हिज सन, आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड।
और वलीमे पे आप प्लीज मिस ना कीजिएगा, एक लड़का है जिसने क्या जैकेट पहनी है जो शहरोज को बड़ी अच्छी लगी है, और शहरोज ने कहा कि ये जो जैकेट है ये कहाँ से बनाई है, कहाँ से बनाई है। ये सारा सेटअप मेरा ही है, सब मैंने खुद लगवाया है। अच्छा। क्योंकि ये DHA गोल्फ क्लब वाले खाली हॉल देते हैं, एक एक चीज आपको खुद लगवानी होती है, कुर्सी से लेके पर्दे से लेके लाइट से लेके। सारी मेरे आइडिया, यही बिजनेस शुरू करता हूं मैं तो कहती। मेरा है इवेंट मैनेजमेंट का भी बिजनेस है और कंस्ट्रक्शन का भी है, और अब इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड के शो बिजनेस में कोई अच्छा चांस मिलेगा। बस भी मैंने अलीजे की शादी पे अहमद को ड्यूटी दे देनी है, भाई सेट वगैरह सारा हॉल वगैरह तुम करो, डन हो गया। और हनी क्या करती है? हनी डॉक्टर बन रही है, अभी MBBS कर रही है। नहीं नहीं कोई थैंक यू थैंक यू। इतनी सारी हमारी बच्चियाँ डॉक्टरी पढ़ के काम नहीं करती हैं और डॉक्टर शॉर्ट हो गए हैं। थैंक यू सो मच। कार्डियोलॉजी बहुत बहुत पढ़ना पड़ेगा, बस कभी कभी नजर आएंगी बेटा। बहुत काम करेंगी और बहुत दुआएं भी कमाएंगी, और हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं अहमद को, आनी को, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Everyone, Outstyle में आज देखिए कहानी चूल्हे की। हर घर में चूल्हा होता है, कुकिंग रेंज होती है। There are types now. एक वो होता है जिसको आप ग्रेनाइट या मार्बल के अंदर जो है फिक्स कर देते हैं, 3 burner, 5 burner, सिर्फ वो काउंटर वाला होता है, काउंटर स्टोव, स्टोव काउंटर। दूसरा होता है कुकिंग रेंज जिसमें अवन भी होता है और साथ में जो कुकिंग रेंज होती है उसमें अवन होता है, नीचे अवन, ऊपर स्टोव, और स्टोव के अंदर 3 burners या 5 burners, अप टू यू। क्योंकि मुझे चेंज करना था, मैंने इतनी रिसर्च की है मार्केट में, और अभी मेरे पास बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है विच कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भी नया कुकिंग रेंज लेना चाहिए, स्टोव को चेंज करना चाहिए, हाई टेम्प कर दें, अगर सोच रहे ना तो इसका मतलब बहुत अच्छा इशारा है और हो जाए। पहले तो मैं बताऊं कि जो चूल्हा होता है, कुकिंग रेंज होता है, उसकी कोई इन्फिनिट एक्सपायरी डेट नहीं होती कि बस सारी ज़िंदगी चलाना है, चेंज करें। हर 5, 6, 7 साल, 10 साल के बाद जो है ना चीज़ें बड़ी अपग्रेड हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो फ्रिज चेंज करें, क्या कहते हैं, अवन चेंज करें। मैंने इस दफ़ा क्या किया है, मैंने अपने किचन में थोड़ी सी चीज़ें चेंज की हैं, जैसे मेरा फ्रिज और मेरा कुकिंग रेंज। जी, तो ये है द पुराना वाला, बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा, बर्दाश्त कर रही थी मैं, लेकिन वही था पैसे ने कहा आराम आराम से चेंज करेंगे, जिस तरह हर मियाँ कहते हैं कि जी आराम आराम से चेंज करेंगे, और आखिरकार वो आराम का वक्त आ गया, और आखिरकार आराम ख़त्म हो गया और नया चूल्हा आ गया। चलें जी, ज़बरदस्त इंस्टॉल करें इसको प्लीज़। You will cook on this one now. You like it? This is my kitchen. Yes, it's your kitchen. Why? You love one. This is button. You wash it
out. You like this one? What is this? This is the old cooking range and that's the new one. Which one you like? नहीं लेग्स लगाएं, बिल्कुल लेग्स होने चाहिए ताकि खराब ना हो, लेग्स तो लगनी मस्ट है। रिसर्च की मैंने बहुत ज़्यादा कि बेस्ट जो है कुकिंग रेंज मुझे पाकिस्तान में कौन सी मिल सकती है। पता चला पाकिस्तान में बहुत अच्छे जो है कुकिंग रेंज बनते हैं, नैस गैस इज़ वन ऑफ देम। मैंने 5 burners वाला कुकिंग रेंज लिया, कास्ट आयरन के जो बर्नर्स थे उनको चेंज करा के ब्रास के बर्नर्स लिए। जो मॉडल मुझे पसंद आया वो डबल डोर है, जिसमें एक साइड जो है वो यूज़ की जाती है बेकिंग के लिए, ग्रिलिंग के लिए लाइक अ कन्वेंशनल ओवन। दूसरी जो साइड है वो खाने को गर्म रखने के लिए यूज़ होती है, जैसे हॉट केस, आपने खाना बनाया और आपने खाने को प्रॉपर डिशेस में इसमें रख दिया ताकि जब भी आपके मेहमान आए, जब भी आप खाना सर्व करें तो खाना गर्म हो। ये जगह बनी है, ये ऐसा पाइप ही पहले से लगा हुआ था, पाइप पाइप था ये, इसका ऑटो इग्निशन के लिए स्विच दिया हुआ है, हमें इसकी जरूरत है जगह। कितना फजूल सवाल तुमने पूछा, कह रहा वायर लगाने लिए पैसे ऑटो इग्निशन के दिए, क्यों नहीं लगाते उनको? माचिस से लगाने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते वायर लगाना। अच्छा, इसके ओरिजिनल जो बर्नर्स थे वो थे कास्ट आयरन के हैं और वो हमने चेंज करके मैंने लगवाए हैं ब्रास के, तो खूबसूरत लगते हैं। और ये कि इसके कुछ फ़ायदे हैं मैं आपको बताती हूँ। बेस्ट बर्नर्स ब्रास बर्नर्स होते हैं क्योंकि ये सेफ है, हीट बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है क्योंकि ये हीट रिटेन बहुत जल्दी कर लेते हैं, सेफ्टी भी इनकी ज़्यादा है, ज़्यादा अरसा भी चलते हैं, स्ट्रांग होते हैं और साथ में ये गंदे बहुत देर से होते हैं। ये ऑटो इग्निशन है इसका, विच मीन्स कि माचिस बर्नर की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ऑन होगा। हाँ जी दिखाएं, पहले गैस खोलते हैं और फिर उसके बाद स्टोव ऑन। कमाल चीज ये कि इसमें ओवन भी है और हॉट प्लेट्स भी है, यानी खाना गर्म भी रखता है वो, और ओवन साथ में है तो हाफ किया हुआ है इन्होंने, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये वार्मर है, हॉट प्लेट, हॉट केस, ये हॉट केस है और ये है क्या है, ये अवन है, अवन एंड ग्रिल। चलो जी दिखाएं हॉट प्लेट कैसे काम करती है, इसमें हल्का सा चूल्हा चल रहा होता है जी। बस आप इसको इसके अंदर रख दें, फिर इसको बंद कर दें। डिश को कहाँ रखेंगे हम? कहीं भी रख दें, यहाँ रख दें, अगर बड़ी है तो ये निकाल लें। हाँ। इस्तेमाल में आगे पीछे भी कर सकते हो, फिर आज में 2-3 खाने की भी डिश यहाँ रख सकते हैं। हाँ, मतलब छोटा यहाँ रख दें, बड़ा यहाँ रख दें। और चूल्हा हल्का चलाएंगे, ये बहुत तेज है ना, ये नॉर्मल ही है। ग्रिल होती है उससे ये फायदा, ये नोक वगैरह गर्म नहीं होती और गिलास ब्रेक नहीं होता, क्योंकि जब ऊपर का चूल्हा जलता है तो केक खुला जाता है, इतना थोड़ा केक पिज़्ज़ा बनाना तो नीचे वाला चूल्हा इस्तेमाल होता है, ऊपर वाला ज़रा ब्राउन करने के लिए, वहाँ ब्राउन करने के लिए टिक्का बना लिया, ब्रोस्ट मुर्गी लगाएंगे। जब ऊपर का चूल्हा जलाना है तो गेट बंद, तो दरवाज़ा नहीं बंद करना जी जी, इतना खुला रखना ये लगा के, ये आप इसमें छोड़ दें, इससे नौ पे भी नहीं गर्म होगी और ये आम भी होगा। बल्ब भी है। अच्छा,